हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब कुशल मंगलम, सब अच्छा ही चल रहा होगा। होली भी आने वाली है। एनीवे, हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, टीलियोलॉजी एंड जस्टिफाइड द मींस। इसे हम कॉन्सिक्वेंटलिज्म भी कहते हैं, और इसके एक स्पेसिफिक टाइप की अगर हम बात करें तो वो है यूटिलिटेरिज्म। स्टार्ट करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, मैं आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। वो ट्रेलर देखिए, और उसमें ना एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, मॉरल क्वेश्चन, एथिकल क्वेश्चन। आप जरा सोचिए आप क्या करोगे उस केस में। This is Colonel Powell. She's going to walk you through the capture of Aisha Al-Hadi, aka Susan Danford. We have intelligence of a meeting between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list. We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya. We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill. Range 22,000 feet. You have your orders, Lieutenant. Your job is to be their eye in the sky. Yes, ma'am. I have to know if Danford is inside and who is with her. That's Danford. Well, this changes things. What's happening? We're seeing a suicide vest and a whole bunch of explosives. What's the plan, General? We have the ability to strike a target with considerable accuracy. I came here to witness a capture, not a targeted assassination. Dozens of lives are at stake if these men leave. We need to put a hellfire through that roof right now. Weapon is armed. What's that? Given the new circumstances, I think we should abort. You have number 4 and 5 on the president's kill list in your sights. You are putting the whole mission at risk because of one collateral damage issue? Minister. We are locked into this kill chain. I need legal clearance to strike. I'm the pilot in command responsible for releasing the weapon. I will fire when this girl's out of the way. There is a lot more at stake than you see in this image. They kill 80 people, we win the propaganda war. If we kill one child, they do. We've got 2 suicide bombers inside that house, and no one wants to take responsibility for pulling the trigger. We lost the visual. Christ. We need a decision. Ready. Right now. 3. Go! 2. Wait. 1. तो कैसा लगा ट्रेलर? मोरल डिलेमा, क्या करोगे इस केस में? क्या करोगे? आर्मी है, देखा एक टेररिस्ट है जिसको पकड़ना है जिंदा, तैयार है सब कुछ, लेकिन जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है, दूसरे कमरे में जाता है, 2 साइड बॉम्बर तैयार है खुद को ब्लास्ट करने के लिए, जो बस बाहर निकलने वाले हैं, मार्केट में जाएंगे और अराउंड 200 पीपल को मार देंगे। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन, क्यों ना इन्हीं पे बम गिरा दिया जाए और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन सडनली सात वाली प्रॉपर्टी में एक छोटी लड़की खेल रही है, इनोसेंट सी बच्ची। अब क्या करें? इस इनोसेंट बच्ची को बचाने के लिए क्या 200 लोगों को मार दिया देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है वो सुसाइड बॉम्बर तैयार है, या फिर अगर इन सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो ये प्यारी सी बच्ची मारी जाएगी। टीलियोलॉजी क्या कहेगी इसमें? टीलियोलॉजी कहेगी, हाँ भाई आप ऐसा करो, माना आपकी मजबूरी है, लेकिन उन 200 लोगों को जान बचाई जा सकती है अगर हम इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और इस लड़की को साथ में मार दिया जाता। ये टीलियोलॉजी कहती है, यही है टीलियोलॉजी। अब आगे बात करते हैं। टीलियोलॉजी कम्स फ्रॉम टीलो मींस एंड, गोल, लॉजी मींस साइंस, सो इट इज अ साइंस ऑफ एंड्स। एन एक्शन वुड बी जस्ट बेस्ड ऑन एंड और कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको याद हो डियोंटोलॉजी में मैंने श्री कृष्णा जी का एग्जाम्पल दिया था, वो जस्टिफाई करता है इसको। इट इज एंड विच मैटर नॉट द मीन। यूटिलिटेरिज्म इज अ मॉरल थ्योरी दैट क्लोजली लिंक्ड विद कॉन्सिक्वेंटलिज्म। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया। अब एक और चीज, जो हम ह्यूमंस है ना, हमारी एक टेंडेंसी है, हमें सिर्फ प्लेजर ही प्लेजर चाहिए और पेन हम अवॉइड करते हैं। तो बेसिक थ्योरी जो यूटिलिटेरिज्म की है, जो फिलोसफी है इसके पीछे, वो यही है कि लोगों को वही एक्शन करना चाहिए जिससे प्लेजर इंक्रीज हो और पेन डिक्रीज हो, ऐसा ही काम करना चाहिए, यही इसकी फिलोसफी है।
Utilitarianism approach is based on simple concept that human wants to maximize their pleasure and minimize pain. Therefore, it is also called pleasure pain theory. Jeremy Bentham इसके main proponent है। उन्होंने ये सोचा कि एक human tendency है, तो क्यों ना हर काम इसी तरीके से किया जाए जहाँ पे pleasure increase हो और pain decrease हो। उनकी एक line है, create all the happiness you can create, remove all the misery you can remove. एक पेशेंट है बेचारा हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज पे कैंसर की, क्या करे, दवाइयां खा रहा है, वेट कर रहा है कि कब उसकी डेथ होगी। कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है यूथेनेशिया, पर क्वेश्चन ये है क्या ये मॉरली करेक्ट है? क्या डॉक्टर को राइट है अगर पेशेंट उससे पूछे प्लीज पुट मी डाउन, मुझे कोई इंजेक्शन दे दो, आप मुझे जान से मार दो, मुझे मुक्ति दिला दो, इस पेन को खत्म कर दो। एक प्रिंसिपल है जो इसको जस्टिफाई करता है, यूटिलिटेरियनिज्म। किस बेसिस पे? क्योंकि जो डॉक्टर का एक्शन है वो क्या कर रहा है, वो पेन रिड्यूस कर रहा है। यही फिलोसफी है ना, एक्शन वो करो या तो प्लेजर इंक्रीज करे या किसी का पेन रिड्यूस करे, सिंपल। तो यूथेनेशिया जस्टिफाइड करता है यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल। ओके, मूविंग ऑन। जर्मी बेंथम इक्वेटेड प्लेजर विद हैप्पीनेस, ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बनेगा, हम इसको जस्ट डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए ये समझ लो, ही इक्वेटेड प्लेजर विद हैप्पीनेस, उसको यही लगता था कि जो प्लेजर है वही हैप्पीनेस है। हिज फेमस लाइन इज, वी शुड एक्ट ऑलवेज सो टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। ये बड़ी फेमस लाइन है, ये आप यूज भी करोगे। एनीवे हम इसको डिस्कस करते हैं। इट डज नॉट ओनली टॉक अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, बट द इंडिविजुअल एक्शन शुड ब्रिंग द ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। अब वो कह रहा है कोई भी एक्शन, कोई भी ह्यूमन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो मैक्सिमम लोगों को प्लेजर पहुंचाए, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं कहता, इसके अलावा एक और कंसेप्ट है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या है एक्चुअल में, वो बात करते हैं सिर्फ अपने बारे में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, दुनिया जाए भाड़ में। अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बात करूं, उसके एक्शन से अगर किसी को पेन हो रहा है होने दो, मुझे प्लेजर मिल रहा है तो मैं करूंगा। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है हाँ आप प्लेजर सीख करो नो डाउट, लेकिन इससे किसी और को पेन नहीं होना चाहिए, और हो सके तो और लोगों को प्लेजर भी मिले। ये है यूटिलिटेरियनिज्म। ये एक्चुअली मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल है कि ये हेडोनिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटर ऑन इसके डिसाइपल है जेएस मिल, उन्होंने इस चीज को डिफेंड भी किया। जेएस मिल इंसिस्टेड दैट यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन ऑफ हैप्पीनेस वाज ऑल्टोरिस्टिक रादर देन इगोइस्टिक, सिंस इट्स आइडियल वाज द हैप्पीनेस ऑफ ऑल कंसर्न। सभी के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा वो। इवन अगर अपने बारे में सोच रहा है तो एटलीस्ट वो न्यूट्रल हो, किसी को पेन ना दे। ओके, नेक्स्ट, बेंथम वांटेड दिस प्रिंसिपल शुड बी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। एक्चुअली मैं उसने सोचा ही नहीं था, यहीं से उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हुई थी कि जो गवर्नमेंट उसको ऐसी पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को खुश करे और मिनिमम लोगों को पेन दे। द स्टेट इज अ नेसेसिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड इट इज अ मीन नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ऐसा जर्मी बेंथम कहते थे। आइए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटेरियनिज्म एंड इनोवेशन। जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो लेजिस्फेयर थ्योरी को प्रमोट करता है। लेजिस्फेयर थ्योरी क्या थी कि चीजों को, एक्चुअली इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, वो कहते हैं मार्केट को अपने आप छोड़ दो, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। मार्केट की अपनी फोर्सेज हैं, वो अपने आप डील करेगी चीजों से, सप्लाई डिमांड हर चीज अपने आप देखेगी। यूटिलिटेरियनिज्म भी इस चीज को प्रमोट करता है, लेकिन ये साथ में एक और चीज कह रहा है, इन द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक्स मॉरल पर्सनल बिहेवियर करेक्टर एटसेट्रा द स्टेट शुड लीव इंडिविजुअल एज फ्री एज पॉसिबल। उनको कोई मॉरल शिक्षा या ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है, जो इंडिविजुअल है उनको जितना है जो करना चाहते हैं करने दो, उनको खुला छोड़ दो, ठीक है, एक्सेप्ट कि वो किसी को हार्म ना करे। ओके, अब ये जो चीज है फ्रीडम, फ्रीडम या लिबर्टी, ये क्या होती है, ये टैलेंट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। अगर कोई इंसान फ्री होगा तो वो क्या है, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकता है। अगर वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करेगा तो चांसेस है इनोवेशन आने के। ओके, तो यहाँ पे ये लिंक है इनोवेशन का। इन यूटिलिटेरियनिज्म द वैल्यू ऑफ इनोवेशन इज जस्ट बाय इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द सोसाइटी एज होल। लेकिन इनोवेशन कौन सी, जो ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को क्वालिफाई करे, कोरोना नहीं। अब पता नहीं ये इनोवेशन थी क्या थी, ये अभी भी एक अपने आप में थ्योरी ही है, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेट अस अज्यूम कि एक सेकंड के लिए हम ये मान लें किसी साइंटिस्ट ने इसको इनोवेट किया था, किस पर्पज से पता नहीं, लेकिन डिवास्टेशन क्या करी है कोरोना ने, इकोनॉमी की ऐसी तैसी फेर दी है, कितने लोग मारे गए हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर कोरोना इन्वेंट किया गया है तो वो गलत है, ठीक है। इट शुड क्वालिफाई ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर।
साथ ही साथ ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को भी प्रमोट करता है। मान लीजिए कल को कोई आप ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर देते हैं, कोई इंसान टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है जिससे आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, तो इस चीज को भी प्रमोट करता है। अ थर्ड एक्सपेरिमेंट, एक हॉस्पिटल है उसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास 3 पेशेंट ऑलरेडी, पहले को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, दूसरे को 2 किडनी चाहिए, तीसरे को लीवर चाहिए, और अगर इन्हें नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में ये मर जाएंगे। अब डॉक्टर बहुत दुखी है, क्या किया जाए। इन बिटवीन एक चौथा पेशेंट आता है डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए, फीवर है बेचारे को, लेकिन डॉक्टर को आइडिया आता है क्यों ना मैं इस बंदे की लीवर, किडनी और हार्ट इन 3 पेशेंट को दे दूं, तो ये 3 पेशेंट जिंदा बच जाएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, हाँ लेकिन ये मरेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम इस पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल लगाएं तो वो जस्टिफाई करता है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, 3 बच जाएंगे 1 मरेगा, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक इनोसेंट इंसान को मार के आप ऐसे नहीं बचा सकते, ठीक है, ये इसका वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है। इसी चीज को यूटिलिटेरियनिज्म को मॉडिफाई किया गया रूल यूटिलिटेरियनिज्म में। रूल यूटिलिटेरियनिज्म, इट रेफर्स टू अ थ्योरी दैट एन एक्शन बी मोरली करेक्ट इफ फर्स्ट कंडीशन इट कंफर्म टू द मोरल रूल्स ऑफ द सोसाइटी, सेकंड इट विल लीड टू ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब 2 कंडीशन है, पहले 1 थी, ठीक है, कि जो मोरल रूल सोसाइटी के कुछ क्रिएट की है उनको क्वालिफाई करे, और दूसरा साथ ही साथ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को भी क्वालिफाई करे। पहले सिर्फ 1 कंडीशन थी, ठीक है, जो जस्ट अभी हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसमें इनोसेंट इंसान को नहीं मार सकते बाकी 3 पेशेंट को बचाने के लिए, तो ये किसकी अनोमली थी, जो जेएस मिल ने करेक्ट करी है। ओके, मूविंग ऑन, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड टीलियोलॉजी। आपने एक लाइन सुनी होगी, कौन सी लाइन, भगवान जो करता है कुछ सोच समझ के करता है। आपके पेरेंट्स ने, आप खुद इस चीज में बिलीव करते होंगे, ठीक है, कि भगवान ने हमें किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया है, कोई उसका एक अल्टीमेट गोल है। यही लिंक है रिलीजन एंड टीलियोलॉजी में। ओके, फॉर एग्जांपल द जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन द कंसेप्ट ऑफ टीलियोलॉजी इज क्लोजली टाइड टू द बिलीव दैट ह्यूमन वर क्रिएटेड बाय गॉड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज टू डू गुड वर्क्स और टू ग्लोरीफाई गॉड। Similarly, in many Eastern religion traditions such as Hinduism and Buddhism, the concept of dharma or karma is used to describe the purpose or a goal of human existence, which is often seen as enlightenment, liberation from the cycle of rebirth, moksha. एक important चीज note करने वाली है teleology और religion के relationship में, जो लोग secular हैं या atheist हैं, वो भी teleology में believe कर सकते हैं, वो rely नहीं करते religion पे, ठीक है, ये चीज याद रखना। Many secular ethical theories such as utilitarianism are based on teleological principle, do not rely on religious belief to explain the purpose or goal of human existence. I hope आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे application। सबसे पहले individual, if we have to look after our self-interest means pleasure, it implies we should also have independence in decision making. जो आप decision ले रहे हो वो आप खुद लें, ठीक है, आपके ऊपर impose ना किए हो, तभी इनोवेशन आएगी, ठीक है, तभी इंडिपेंडेंस आएगी, तभी आपके पास लिबर्टी आएगी, कहने का ये मतलब है। सो यूटिलिटेरियनिज्म एंडोर्सेस द इनोवेटिवनेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल। दिस इज द रीजन वेस्टर्न सोसाइटी एक्सपीरियंस द रेनेसा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस। क्यों? क्योंकि उनको डिसीजन लेने की पावर थी। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंस है नहीं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पे, सबसे अप्रूव किया जाता है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स से, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ। एग्जाम्पल, शादी कर सकते हो अपनी मर्जी से, भूल जाओ। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन तो सोचना ही मत, इंटरकास्ट में तो शायद हो भी जाए लेकिन इंटर रिलीजन तो सोचना ही मत। ये है, और यही रीजन है हमारे अंदर जो इंडियन सोसाइटी है, ये एक जनरल वे में कह रहा हूँ, ठीक है, जो लेसर रिस्क टेकिंग पावर है हमारे अंदर वो यही है, क्योंकि हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के, ऊपर से आ रहे हैं और हम बस आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो हम करना चाहते हैं उसकी हमें परमिशन है नहीं, तो हम लैक करते हैं इनोवेशन। वी कैन अप्लाई द प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल इन अवर लाइफ टू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टैक्स है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, तो आपको होगा पेन, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड वे में सोचें, देखो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट क्या करेगी इस पैसे का, इस पैसे से रोड बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, तो क्या होगा, सोसाइटी ग्रो करेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर उस वे से देखा जाए तो ये फायदेमंद है, प्लेजर ज्यादा है, पेन कम है। ओके,
अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की। कॉर्पोरेट सेक्टर में इनोवेशन, ये जस्ट मैं अभी आपको बता चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। व्हेन अ कंपनी स्टार्ट मेकिंग अ लॉस, दे कैन रिमूव देयर एम्प्लॉई जस्टिफाइड बाय प्लेजर पेन प्रिंसिपल। अब साफ सी बात है, कंपनी घाटे में गई हुई है, कॉस्ट कटिंग करनी जरूरी है, ठीक है, तो इम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। हाँ, एट द सेम टाइम जो लोग हैं उनकी सैलरी में भी कट होना चाहिए। यूटिलिटी प्रिंसिपल का गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट वो पॉलिसी बनाए जो मैक्सिमम लोगों को प्लेजर दे और मिनिमम लोगों को पेन दे। पेन तो ना ही दे, कोशिश करे, अगर आप प्लेजर नहीं दे पा रहे कम से कम पेन तो ना ही दे, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल सर्वेंट कम अक्रॉस न्यू प्रॉब्लम डेली whose solution is not mentioned in a rule book, जो हम सबको पता है कोई इनके पास रूल बुक नहीं है। रूल बुक rather than उनको rules follow करने की बुक है, ठीक है, उसमें solution नहीं दिया हुआ कोई। So they need innovative idea to solve them. It should be based on self-interest, but civil servant need to selfless in their decision making. इसका ये मतलब नहीं है कि civil servant corruption करे, self-interest की बात कर रहा, नहीं नहीं नहीं, ये चीज याद रखना। Next, greatest good for greatest number principle can be used in financial propriety or efficient use of resources. ये मैंने कहा है, लेकिन मैं आपको कुछ example देता हूँ जहाँ पे opposite हुआ है। India is not a surplus country, ये हम सबको पता है। So the government should think about where the money can be used most effectively. मान लीजिए दो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे invest करें, यहाँ पे करें। अब मैं दिखाता हूँ, example देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। XCM Mayawati made a park with 665 crore, 6665 crore in Noida, and she installed elephant statue, party symbol, जो उनके party symbol है, and her even own statue, खुद का statue लगा दिया। The money can be used for welfare of vulnerable people, vulnerable people के लिए use किया जा सकता था, ठीक है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो पास इनके पास पैसा नहीं है, तब कहते भाई हमारे पास कॉफर में पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ 665 crore का कह रहे public park बनाया हमने, 665 करोड़ पब्लिक पार्क बनाओ यार, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 665 करोड़ अपनी स्टैचू बना रहे हैं, एलिफेंट का स्टैचू बना रहे हैं, जरूरत थी इसकी? नहीं थी। एक ऐसे सफाई महोत्सव इन यूपी, ठीक है, जब समाजवादी पार्टी थी वो ये करवाते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं इस चीज को। एनीवे, एक कर्नाटक का एग्जाम्पल देता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर है सिंदूरी करके, आई बिलीव जो अभी न्यूज में भी है, उनपे अभी इस चीज पे एक केस चल रहा है, ठीक है, कार्रवाई चल रही है। उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पे स्विमिंग पूल बनवाया, एक जिम बनवाया, ठीक है, कितने पैसे से? 27 लाख रुपए से। ये जरूरत थी, वो एक सिविल सर्वेंट, उनके पास पैसे की कमी है, ठीक है, वो अपना जिम नहीं ज्वाइन कर सकती, उनको अपने ही रेजिडेंस पे स्पेशल एक स्विमिंग पूल चाहिए और जिम चाहिए, ये जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। फ्लैट में टेल यू, ये पैसा कहीं और बेटर वे में यूज हो सकता है। और प्लीज ये मत कहना सिर्फ 27 लाख है, किसी जो आम इंसान है जो शायद एक क्लियर सी या डी ग्रुप में है उसकी शायद लाइफ टाइम सेविंग होती है, ये तो ये बहुत वैल्यूएबल मनी है और टैक्स पेयर मनी है, तो आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। आपको एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूँ, फोर्ड पिंटो केस, ये अराउंड 1970s की बात है। उन्होंने इस प्रिंसिपल को कैसे मिसयूज किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की थी उन्होंने, अभी भी देखते हैं। उन्होंने कार बनाई पिंटो और उसका जो फ्यूल टैंक था वो पीछे वाली साइड था, तो इन केस अगर एक्सीडेंट होता है पीछे से तो कार को इंस्टेंट आग लग जाती थी, ठीक है, और उसमें जो पैसेंजर बैठा है, जो ड्राइवर बैठा है, वो मर जाता था, तो एक फॉल्टी डिजाइन था। तो अब इसके केसेस बढ़ने लगे, ठीक है, अब इस पे लॉ सूट भी हुआ, इनके ऊपर कहा गया कि भाई आप हमें पैसा दो क्योंकि आपका जो फॉल्टी वो है डिजाइन है उसकी वजह से हम लोगों की जान जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पे फर्दर ये आया, ये कार सेल करते रहे, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये था, क्या इनको डिजाइन चेंज करना नहीं करना चाहिए? इन्होंने क्या कहा कि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। द कंपनी मेड अ यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन दैट इट वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू सेटल एनी लॉसूट रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी एंड डेथ कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द पिंटो रादर देन इन्वेस्टिंग इन रीडिजाइन दैट वुड हैव प्रिवेंटेड दोज इंजरी एंड डेथ फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। कहने का क्या मतलब है, अगर वो सारी गाड़ियां रिकॉल करते हैं जितनी बेच दी हैं और एक नया डिजाइन करते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी रादर देन जो लोग मर गए हैं और इनकेस मरते हैं हम उनको पैसे दें, ठीक है, तो ऐसे इस प्रिंसिपल का मिसयूज किया गया था। दे एस्टिमेटेड दैट सोसाइटी लूज $2 lakh एवरी टाइम अ पर्सन इज किल्ड इन अ ऑटो एक्सीडेंट। कैन वी मेजर द लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसा पॉसिबल है? उन्होंने 2 lakh वैल्यू लगाई है एक इंसान की, ऐसे मिसयूज हुआ इसका। क्रिटिसिज्म, चलिए लास्ट टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं। जो
ये प्रिंसिपल है, ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल कहा जाएगा। हिज प्रिंसिपल वॉज एक्सप्लोइटेड बाय कैपिटलिस्ट क्लास, इट बिकेम द एक्सिस ऑन विच कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म प्रिंसिपल डेवलप्ड। कैसे हुआ ये? इसने बात करी प्लेजर की। इंडस्ट्रियल क्लास ने कहा हमारे लिए प्लेजर है पैसा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जितना होगा हमारा प्लेजर उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर, पुअर वर्किंग कंडीशन विद नो एडिक्वेट फैसिलिटी वर जस्टिफाइड। ये सारी चीजें जस्टिफाई करी गई कि भाई हमारा प्लेजर क्या है, हमारा प्लेजर है प्रॉफिट, ठीक है, तो ये जस्टिफाइड है। एज अ रिजल्ट सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज एंड हाई प्रॉफिट गोज टू द इंडस्ट्रियल क्लास। His theory justified materialism and commercialization in every sector, whether it is health or education. Hence, it seriously affected morality and ethics of the society. कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें profit, pleasure ये चीजें नहीं देखी जाती है, ठीक है। Health and education ये ऐसी चीजें एक basic necessity की तरह है जो हर citizen को मिलनी चाहिए। एक और problem है इस principle के साथ, इसने equate कर दिया pleasure और happiness को। Pleasure हमारा senses से related है और जो happiness है इससे higher है। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, एक मदर है अपने बच्चे को जन्म देती है, लेबर पेन से गुजरती है, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे वो उसका बेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम कहेंगे जिसे, ठीक है, इसको बयां ही नहीं कर सकते, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे प्लेजर जो फिजिकल है, ठीक है, सेंसेस रिलेटेड है, उसमें उसको बहुत पेन झेलना पड़ा। दूसरा लाइन ऑफ ड्यूटी, जब सोल्जर अपने देश के लिए जान देता है वो खुशी खुशी देता है, वो हैप्पीनेस है, लेकिन अगर आप प्लेजर के टर्म में बात करो वो अपनी जान देता है, पेन से गुजरता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस और प्लेजर सेम नहीं है, लेकिन इसने इस प्रिंसिपल में ऐसा माना गया है। लास्ट, इट फेल टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल और माइनॉरिटी राइट। एग्जांपल, डैम है, एक डैम क्रिएट किया गया, बहुत सारे लोग आसपास के लोग डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन अगर हम लार्जर इंटरेस्ट की बात करें, सोसाइटी के लिए बात करें, तो डैम बनाया गया उनके भले के लिए, दूसरे के लिए, लेकिन उनका क्या जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको गवर्नमेंट को रिहैब करना जरूरी है, ठीक है। एक मार्केट प्राइस पे जो भी है पैसा उनको मिलना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है जब आप डैम बना रहे हो ना, उसी मोमेंट पे उनके लिए काम करना शुरू करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप झूठे वादे कर रहे हैं, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इतने पैसे आएंगे, लेकिन मिला है नहीं, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, टियोलॉजी यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल, ठीक है। इन केस कोई डाउट हो प्लीज मेरे से पूछना, ठीक है, आप मेरे नोट्स पढ़ो, वो फ्री अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।